कश्मीर सरकार ने पर्यटकों अमरनाथ यात्रियों को घाटी में रहने की अवधि में कटौती करने की सलाह दी है। सरकार ने पर्यटकों और अमरनाथ यात्रियों को सलाह दी है कि वे जल्द से जल्द घाटी से लौटने के लिए जरूरी कदम उठाएं। गृह विभाग ने आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर शुक्रवार दोपहर को एक एडवाइजरी जारी की है। प्रमुख सचिव ने इस एडवाइजरी में कहा कि पर्यटक और अमरनाथ यात्री जितना जल्द हो सके घाटी से लौट जाएं। इसमें कहा गया कि अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के मद्देनजर ताजा खुफिया सूचनाओं और घाटी के हालातों के मद्देनजर ये सलाह दी जाती है कि अमरनाथ यात्री और पर्यटक जल्दी से जल्दी घाटी से लौट जाएं। यह आदेश इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में घाटी में करीब 10,000 सैनिकों की तैनाती के बाद 28,000 सैनिकों की तैनाती का आदेश जारी हुआ है। इसे लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई है और पीडीपी व नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। अमरनाथ धाम के लिए जाने वाले ट्रक पर शुक्रवार को आईडी अमरनाथ धाम के लिए जाने वाले ट्रक पर शुक्रवार को आईईडी एंटी पर्सनल माइन और स्नाइपर गन बरामद हुआ है। सेना ने बताया कि सुरक्षा बलों को कुछ दिनों पहले इनपुट मिले थे कि आतंकी अमरनाथ यात्रा पर बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इसी को लेकर सेना और सीआरपीएफ ने अमरनाथ यात्रा के रास्तों पर पैनी नजर बनाए हुए थी। इसी क्रम में सुरक्षा बलों ने अमरनाथ धाम पर जाने वाले यात्री ट्रक और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चालू किया है। तलाशी अभियान के दौरान शुक्रवार को सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। सेना ने भारी मात्रा में आईईडी और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में निर्मित एंटी पर्सनल माइन बरामद की है। इसके साथ ही एक M24 स्नाइपर राइफल भी यात्रा ट्रक पर मिली है। इस आईईडी में बारूद की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि भारी नुकसान हो सकता था। इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। हे भगवान, कब छुटकारा मिलेगा इन लोगों से? बस बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त नहीं। नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान के लिए मोहित ग्रोवर को चुनें।